अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। जी एवरीवन, तो मैं आज आपको बताऊंगी फ़िश फ्राई करने का तरीका, जो कि अक्सर कहते हैं लोग कि हमारी फ़िश फ्राई करने के बाद पानी छोड़ देती है, तो सही से ड्राई नहीं फिश होती। तो मैं आपको बताऊँगी, मेरे पास है 2 kg फ़िश, ठीक है। मैंने जिसको अच्छे से वॉश कर लिया है, वॉश करके मैंने उसको नमक और अजवाइन लगा के, लेमन लगा के रख दिया था, ठीक है। उसके बाद मेरे पास देख सकते हैं लेमन है, उसका जूस निकाला है मैंने, चंद लेमन है मेरे पास 10 से 12। अभी इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी, अभी इसमें जाएगा धड़ा मिर्च, ठीक है, हसबे ज़रूरत डाल सकते हैं। अभी ये मेरे पास है खुश्क धनिया, इसमें ये भी मैंने ऐड कर दिया। अभी इसमें जाएगी अजवाइन, अजवाइन बस थोड़ी सी हम लेंगे हसबे ज़रूरत। यहाँ पे हमारे पास है लाल पीसी मिर्च, तो 1 स्पून हम उसका लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बिल्कुल ब्लैक पेपर मिर्च ली है, और यहाँ पे बेसन लिया है 2 चम्मच स्पून, 2 चम्मच के करीब मैंने बेसन लिया है। तो यहाँ पे मेरे पास है, देख सकते हैं, गार्लिक पाउडर 1 चम्मच मैंने वो ऐड किया है इसमें। तब इन सब चीज़ों को हम मिक्सर बनाएंगे अच्छे से। तो ये हम फिश पे लगाएंगे। गाइस मेरी वॉइस को इग्नोर करना, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिश अच्छे से वॉश की है हमने। अब हम इस पे ये पेस्ट लगाएंगे, अच्छे से दोनों तरफ से हम कवर करेंगे इसको। जी तो जो बड़े पीस हैं उसको हमने कट लगवा लिया था, क्योंकि फिश हमारी कच्ची ना रह जाए जब हम फ्राई करें। तो कट में भी आपने मसाला अच्छे से लगा लेना है। ऐसे ही हम सब फिश को अच्छे से मसाला लगा लेंगे। मसाला लगा कर कभी भी आपने ये नहीं करना कि 1 घंटा 2 घंटे के बाद फ्राई कर ली, ऐसे आपका मसाला उतर सकता है। जी तो यहाँ पे ऐसे ही सभी फिश को हमने मसाला लगा के रख देना है। जी तो यहाँ पे हमने ऐसे सब फिश को मसाला लगा के रख दिया है। अब हम फुल नाइट के लिए इसको छोड़ देंगे ऐसे ही, ओवर नाइट बिल्कुल हम इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, किसी कवर के साथ ढांप देंगे इसको। इसी बॉल में अब हम दोबारा सारी फिश रख के कवर करेंगे। जी फ्रेंड, तो देख सकते हैं फिश सारी को मसाला लग गया। अब हम इसको रख देंगे, तो जब हम फ्राई करेंगे फिर मैं बताऊंगी आपको। तो देखेंगे आप, ये फिश बिल्कुल नहीं टूटेगी, ना ही इसमें पानी होगा। जी तो ओवरनाइट के बाद अभी हमने फिश निकाली है, बिल्कुल मैरिनेट हो चुकी है। अभी आप देख सकते हैं
चलें, कुकिंग की तरफ चलते हैं जी। तो हमने ऑयल लिया है कढ़ाई में, उसको आपने अच्छे से गरम कर लेना है। और जब भी फिश फ्राई करें बिल्कुल धीमी आंच पे करनी है आपने, बिल्कुल लो आंच कर लेनी है, क्योंकि फिश हमारी अंदर तक जो है अच्छे से पक जाए। अगर आपकी आंच ज़्यादा होगी तो फिश जो है ना अंदर से पकेगी नहीं, कच्ची रह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फिश को कढ़ाई में आपने देख सकते हैं कि डाल दिया है, लेकिन आपने छेड़छाड़ नहीं करनी, पूरे 5 मिनट तक इसको हिलाना नहीं है। और देख सकते हैं ये आंच मैंने कितनी स्लो की है, बिल्कुल धीमी आंच पे पकने देना है। 5 मिनट के बाद फिर हम इसकी पलटा पलटी करेंगे। ये तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 मिनट हो गए हैं। तो हमने फिश को दूसरी तरफ से, अब इस तरफ से भी हमने पका लेना है। मौसम कुछ ऐसा है कि सर्दी की वजह से सभी को खांसी, जुकाम, नज़ला, तो इस मौसम में फिश जितनी खाई जाए अच्छी है जी। तो ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे से फ्राई हो रही है, देख सकते हैं आप क्लोज करके। अगर ऐसे हल्का हल्का ऊपर से प्रेस करेंगे फिश को तो जो इसमें पानी होगा वो भी इसमें ख़त्म हो जाएगा और अंदर से भी बिल्कुल फ्राई हो जाएगी। जी तो ये देख सकते हैं ये पीसेस तैयार हो गए हैं, इनको हम बाहर निकाल लेंगे। ऐसे ही हम दूसरी फिश फ्राई कर लेंगे। जी तो फ्रेंड जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, फिश जब भी आप कढ़ाई में डालो तो 5 मिनट तक आपने इसको पलटी नहीं करनी, वरना फिश टूट सकती है जी। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं फिश अच्छे से फ्राई हो गई है। हम जो बाकी रह गई है उसको भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। जी तो यहाँ पे इसको हल्का सा प्रेस करना है, देख सकते हैं इसमें चिटचिट की आवाज़ आएगी, तो समझ लेना कि इसमें भी अंदर से पानी है और फिश आपकी कच्ची है। तो इसको अभी हम मज़ीद और पकाएंगे जी। तो यहाँ पे माशाल्लाह से सारी फिश बन के तैयार हो गई हैं, तो जो रह गई हैं लास्ट पे हम उसको भी कढ़ाई में डाल देंगे। चम्मच इसमें बिल्कुल भी नहीं हिलाना आपने,
जब तक ये थोड़ी सी पक ना जाए जी। तो यहाँ पे माशाल्लाह से फिश हमारी सारी फ्राई हो गई है। जी तो साथ में हमारा ये नाश्ता भी आ चुका है, दही चने वगैरह और नान। जी फ्रेंड तो यहाँ पे अभी हम नाश्ता करेंगे। तो फिश तैयार हो गई है हमारी, देख सकते हैं बहुत ही माशाल्लाह से क्रिस्पी बनी है। ये देख सकते हैं इसमें ज़रा भी पानी नहीं है, बिल्कुल ड्राई है। अगर आप इसी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो यकीन करें बहुत ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे हमारे पास दही है, चने हैं और नान है, साथ में रायता है। जी तो एक फ्रेंड और बात है, अगर आप बाज़ार से फिश जब लाते हैं ना तो उसमें नमक लगा होता है, ठीक है? तो घर पे लाए ना तो उसमें नमक की मकदार थोड़ी सी कम कर लीजिए, ठीक है? वरना टेस्ट में फिर ज़्यादा नमक ही नमक होगा। इसलिए तभी बहुत माशाल्लाह से क्रिस्पी है, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। जो अक्सर कहते हैं पानी है, पानी है इसमें, और फिश बिल्कुल माशाल्लाह से अच्छे से है। यहाँ पे हम आज जो खाना जिस जिसने खाना है आपने, ये दानियल को देखो जरा, पर से गंदी वाली खांसी लगी हुई है। वॉइस भी इधर बहुत कम आपको सुनाई देगी क्योंकि आवाज मेरी निकल ही नहीं रही थी, इसलिए गला खराब मौसम चेंज की वजह से खांसी जुकाम हर एक को। तो यहाँ पे रायता है फिश के साथ और से अंधे मार 4:30 बस लगा हुआ है, और साथ में उनके पापा हैं। जैन तो फिश पकड़ पकड़ के दही में छोड़ रहा है कि शायद उसमें जान आ ही जाए। जी तो यहाँ पे हमने खाना वगैरह फिनिश कर लिया है, तो अब बारी आ गई है चाय की। तो चाय लवर की तरह है, जरा कमेंट में हाजिरी लगवाओ। जी फ्रेंड तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें। तब तक बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।